वैसे ये 440 का क्लासरूम जो है ना लकी रहा है यार, पर अच्छा था। हाँ, और बस तोड़ के आ गए। सबसे अच्छा पेपर था, एक्सपेक्ट किया था कि डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन सबसे इजी पेपर था। अनलॉक द न्यू फियर। वैसे एक सिंगल लाइन में आपको बताऊं तो दिसंबर इट्स मी फॉर दुख और स्ट्रेस का महीना। एक्चुअली अभी क्या है कि मेरी फिफ्थ सेमेस्टर खत्म होने वाली है और लगभग सारे पेपर्स हो गए, बस लास्ट रह गया है जो कि न्यूरल नेटवर्क का है। काफी दिनों से व्लॉग नहीं आया तो सोचा कि थोड़ा कुछ शूट कर लेते हैं और फिर पेपर होने के बाद डायरेक्टली आपसे मैं मिलूंगा। और अभी क्या है कि न्यूरल नेटवर्क की प्रिपरेशन मेरी चालू हो गई है और कल छुट्टी है, परसों पेपर है, तो वो करेंगे यार। काफी हार्ड लेवल का पेपर होगा क्योंकि मतलब लेक्चर्स भी करे हैं मैंने, बट कहते हैं ना थोड़ा मतलब जब न्यू सब्जेक्ट आता है और आपको कुछ पता नहीं होता तो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल हो ही जाती है, और वैसे भी थोड़ा है ही वो डिफिकल्ट। अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो या फिर एआई के हो तो आपको पता ही होगा, अगर हो तो कमेंट जरूर करना जैसे कि पता चले अपने व्यूवर्स को। ने अभी फिलहाल तो मैं असाइनमेंट्स देख रहा हूँ, असाइनमेंट्स देखने के बाद थोड़े नोट्स देखेंगे। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है अभी। और अभी मुझे भी याद है कि जब मिड सेमेस्टर एग्जाम थी तब भी मैंने न्यूरल नेटवर्क का पेपर था लास्ट और उसी का व्लॉग डाला था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक कर दूंगा, वो जरूर देखना। तो इट्स फाइनली एंड ऑफ माई एग्जामिनेशन ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर, जो कि एंड सेमेस्टर थी, फाइनली खत्म हो गई। प्रेशर थोड़ा कम हो गया है बट अभी ओरल से वो भी देख लेंगे और देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी सबके रिएक्शंस देखते हैं सबसे पहले। अल्गोरिदम पेपर रिएक्शन विद सुचित निरंजन। अंकुश, हाउ वाज द पेपर? पर अच्छा था। हाँ, और बस तोड़ के आ गए। तोड़ के या फोड़ के? फोड़ के। हाँ, मैं एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि इस बार के पेपर से बहुत मजेदार थे। हाँ, लिखने में जितना मजा आया है ना। हाँ, सच लिखने में मजा नहीं था, हम पढ़ाई करके गए। ये हमारे टॉपर्स और ये पहली, तो आज का पेपर कैसा रहा सबसे पहले बताइए आप। अच्छा था, अच्छा था, सबसे सबसे अच्छा पेपर था। जो एक्सपेक्ट किया था कि डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन सबसे इजी पेपर था। अनलॉक द न्यू फियर। क्या लुका फॉर दिया वीडियो? यू विल गेट चाय फ्रॉम योर स्टार्टअप। यस्टरडे वी हैव सीन योर स्टार्टअप। कुछ भी। स्ट्रेस पेपर कैसा रहा आपका? ओवरऑल इट वाज गुड अकॉर्डिंग टू आशीष। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अकॉर्डिंग टू मी नहीं, आपको पूछा है। सबसे खुश बंदा? ऐसे ये 440 का क्लासरूम जो है ना लकी रहा है यार। डिसीजन सो जैसे आप मिमिक्रिकल। सो अभी एंड सेमेस्टर एग्जाम तो हो ही गई है और उसी के साथ देख सकते हो पीछे हमारी एंडिंग कुछ इस तरह से हो गई है। सो अभी ऐसा कुछ प्लान है और हाँ, वो मेन रह गए, वो हमारी प्लानर है। कौन है ये लोग?
कंटेंट का पैसा चाहिए। इस कंटेंट का पैसा कब आएगा? जब चैनल होगा हम बड़ा देखेंगे। सो गाइज गुड मॉर्निंग, और अभी है नेक्स्ट डे सैटरडे, और कल का ब्लॉग जो है यार एंड ही नहीं कर पाया। डी मार्ट में गया, फिर बहुत लेट हो गया और बहुत टायर्ड फील कर रहा था। और अभी आज क्या है कि ये ब्लॉग अभी डालना है, और सुबह अभी एंड सेमेस्टर की एग्जाम की वजह से आदत लग गई है सुबह उठने की, मतलब मैं थोड़ा नाइट ऑफ स्टूडेंट हूँ। और अभी क्या है कि डेली एक्सरसाइज होती है मेरी, 8 बजे होती है, अभी 7 बजे से शुरू हो रही है। और जिम में नहीं जाता अभी क्योंकि एग्जाम भी थे और एग्जाम की वजह से टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था, तो जिम नहीं जाता मैं। तो एक्चुअली चैनल को यार सब्सक्राइब करना अगर एंड तक बने रहे हो वीडियो पर, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, लाइक करने से वीडियो हमारा बहुत ही शेयर होता है, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।